20 फरवरी 2022 दिन रविवार, मतदान के दिन अपने मम्मी पापा को सबसे पहले मतदान केंद्र भेजेंगे। और नमस्कार, मैं हूं लालचंद सोनी। आज सुबह टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश में चुनाव की प्रक्रिया तेजी से चल रही है। कहीं पर शांतिपूर्ण या कई चरण जो है चुनाव संपन्न कराया गया, वहीं पर जहां पर नहीं चुनाव हुए हैं वहां पर तेजी के साथ जो है प्रचार प्रसार देखी जा रही है। एक दूसरे पर हमले भी खबर आ रही है। इस समय गोसाईगंज 176 विधानसभा तेजी के साथ हलचल देखने को मिल रही है। सूत्रों की माने तो गोसाईगंज में हमला और तोड़फोड़ और पत्थरबाजी और गोली चलने की खबरें आ रही है। इस मामले में स्थानीय पुलिस शासन प्रशासन मौके पर भारी बल के साथ मामले को अब संज्ञान में लिया जा रहा है। चुनाव आयोग से अपील है कि गोसाईगंज 176 विधानसभा क्षेत्र का मामला कई बार जो है या तोड़फोड़ और मामले की संज्ञान में आया है, इसलिए शासन प्रशासन को और कड़ी निगरानी के साथ चुनाव संपन्न कराना होगा। यह रिपोर्ट आप देख रहे हैं विनोद कुमार से, अयोध्या से खास रिपोर्टिंग। थाना महाराजगंज क्षेत्र में कबीरपुर चौराहे के पास दो पार्टी के, एक पार्टी के प्रत्याशी और उनके समर्थक और दूसरी पार्टी के समर्थक की गाड़ियां आगे आमने सामने हुई थी। इसमें दोनों पक्षों का आरोप है एक दूसरे के प्रति कि पत्थरबाजी और फायरिंग की। दोनों पक्षों से किसी को किसी तरह की फायर आर्म इंजरी नहीं है। दोनों पक्षों द्वारा बताया गया है कि मामूली चोट एक एक दो दो लोगों को दोनों पक्षों से है, किसी को वैसी जाहिरा चोट नहीं है। मीडिया में तमाम जगह बहुत सारी चीज़ें भ्रामक इसमें फैलाई जा रही हैं। गाड़ियों के शीशे टूटे हैं, अब इसकी जांच की जा रही है कि कितने किस तरह की घटना में एक दूसरे पर पत्थरबाजी में टूटी है या अपने तोड़ के पेशबंदी की जा रही है। मौके पर शांति व्यवस्था है, दोनों पक्षों द्वारा तहरीर दी जा रही है। प्राप्त तहरीर पर अभियोग पंजीकृत करके इसमें जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई सुनिश्चित कराई जाएगी। कौन से सूचना मिली कि विकास सिंह कुक पर समाजवादी पार्टी के कुछ लोगों ने, अभय सिंह के लोगों ने, अभय सिंह द्वारा गोली चलाई गई, तो मैं थाने आ रहा था जानकारी करने के लिए। तो वहाँ पे थाने के गेट के पहले ही मुझे 40-50-60 लोगों के हुजूम ने मुझको घेरा, मेरी गाड़ी को क्षतिग्रस्त करने की कोशिश की, मेरी गाड़ी पे लगा हुआ झंडा तोड़ दिया और मुझे भी गाली गलौज के साथ मुझसे बात करने लगे। मैं किसी तरह अपना जान बचा करके थाने में पहुँचा। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें और आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।